हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी योर बॉय गुलाम मुर्तुज़ा एंड यू गाइस आर वाचिंग मुर्तुज़ा व्लॉग्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरजे मॉल के बिल्कुल सामने और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम रोमान रही साहब। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइए कि क्रिकेटर क्रिकेट अकेडमी खोलते हैं, रोमान रही साहब ने दस्तखान खोल लिया, इसकी क्या वजह? बेसिकली जब मैं इंजर्ड हुआ था तो यार मुझे ज़ाहिर है उस वक्त तो मैं इंसानी की खिदमत में हमेशा करता रहता था, अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अपने अब्बू के साथ, जितना हमारी इस्तेदाद थी उसके मुताबिक। लेकिन जब मैं इंजर्ड हुआ तो लोगों को बड़ा परेशान देखा, और ये वो लोग हैं यार जो हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये वो टाइम था कि जब हमारा एज ए क्रिकेटर, एज ए सेलिब्रिटी टाइम था कि हम लोगों की सपोर्ट करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके से हम स्टार या हीरो बनते हैं। तो वही माइंड में बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उस काम को पूरा कराया और अल्लाह पाक ने इस काम में बरकत डाली। और फाउंडेशन बनाने का मकसद सिर्फ यही है इन दी एंड कि यार लोगों की खिदमत हो जाए, लोगों की परेशानी को हम सुन लें और उनकी परेशानी को हल करने की कोशिश करें, और किसी भी किस्म का जो भी उनका दुख है उसको बांट लें। क्योंकि बात ये कि यार दुनिया बहुत ज़्यादा, मतलब अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, हमारे स्पेशली पाकिस्तान में लोग बड़ा डैमेज हुए आफ्टर कोविड, और मामला थोड़े सही होने में टाइम लगेगा। तो इस पीरियड में हम जितनी लोगों की खिदमत और इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं वो करें, इसी वजह से हम आप फाउंडेशन बना के जो है ना लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा रोमान भाई, आपका स्लोगन है हमारे लोग, ठीक है, तो आपके लोगों के लिए इस दस्तखान पे क्या क्या चीज़ें मुहैया होगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तखान पे हमारे लोग हैं, तो हमारे लोग का मतलब होता है कि अपने लोग, बिल्कुल ऐसे, और अपने लोग का मकसद होता है कि अपनी फैमिली, और ये हमारी फैमिली है भाई। अगर मिसाल के तौर पर हम जो अपने घर में कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ हलीम की देखें, ये देखें, वो देखें, इस तरह के लग्जरीज आइटम हम खुद अपने घरों में खा रहे हैं, तो ये हमारे भाई हैं, हमारे फैमिली है, हम इनको भी चाहते हैं कि ये भी खाएँ, ताकि इनको कभी का कभी मोहताजी ना हो किसी चीज़ की। तो यही कोशिश करते हैं और इस कोशिश को अल्लाह पाक पूरा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो हमारे डोनर्स जुड़े हुए हैं वो हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तखान पर रौनक लगी। अच्छा, कराची वाले अपनी मिसाल आप हैं, डोनेशन की जब बात आती है तो कराची वाले लीडिंग नंबर पे सामने आते हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा, हमने भी आपके दस्तखान पे देखा है कि लोग आके एक बड़े पैमाने पे डोनेशंस करते हैं, कोई बोतल देके जा रहे हैं, यानी हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, कोई देके दे रहा है, हर कोई अपनी इस्तेदाद के मुताबिक डोनेशन कर रहा है। तो कराची वालों के इस जज्बे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अब आपने खुद ही सवाल में सारी चीज़ें कवर कर दी कि कराची वालों का जो जज्बा है, बिल्कुल बेसिकली वो है इतना ज़बरदस्त है, इतनी मोहब्बत वाले लोग कि अपने लोगों को परेशान देखने नहीं चाहते वो। तो आई थिंक कि जब कोविड हुआ तो लोगों ने भरपूर साथ दिया, जो मुखिया आजाद थे, जो इंडस्ट्रीज के सारे लोग थे, उन्होंने बड़ा साथ दिया हम लोगों का और बाकी इदारों का भी इवन, कि माशाल्लाह सब ने भरपूर लोगों की खिदमत करी। और ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि कराची या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है, तो आई थिंक ये जिंदा मिसाल है इस चीज़ की। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मेरी हमेशा दुआ ही होती है कि अल्लाह पाक ऐसा मुल्क पे हमारे वो वक्त ख़त्म कर दे कि लोगों को हाथ मिलाने की ज़रूरत पड़े, बल्कि वो अपनी मदद आप ऐसे सेल्फ हो कि वो हर तरह से मुतमईन हो। तो मेरी तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारे यहाँ जो बढ़ती महंगाई है उसको एक स्टॉप लगे और लोग अपने अपने कारोबार करें, अपनी अपनी सारी चीज़ें करें, मामलात करें। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोमान रईस कब खुश होता है? जब उसे कहा जाता है कि रोमान रईस वो है जो जौहर गुलिस्तान जौहर में एक दस्तखान लगाता है, सामाजिक काम करता है, राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, शहरी के इंतजाम करता है, या रोमान रईस तब खुश होता है जब कहा जाता है कि रोमान रईस एक पाकिस्तानी टीम का एक बॉलर है? देखिए जी, मुझे अल्लाह पाक ने दोनों शोबों में बड़ी इज्जत रखी, और ये अल्लाह ताला का करम है कि लोग मुझे क्रिकेट के अंदर भी जानते हैं, लोग मुझे क्रिकेट की वजह से भी इज्जत देते हैं और इस काम की वजह से मजीद इज्जत देते हैं। दोनों काम ऐसे हैं कि आप एक ना एक टाइम ऐसा, जैसे बागा आप मुल्क से खेल रहे हैं या आप क्रिकेट कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी इदारे को या आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मुल्क को रिप्रेजेंट करना आई थिंक सबसे बड़ा ऑनर है।
और साथ ही साथ अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इंसानियत को रिप्रेजेंट करना आई थिंक इस दुनिया का नहीं इस आखिरत का भी सबसे बड़ा काम है। अच्छा, आखिर में अपने देखने वाले अपने चाहने वाले तमाम नाजरीन को कोई पैगाम और अगर आपके साथ कोई डोनेशन या किसी भी तरह हिस्सा लेना चाहता है तो वो किस नंबर से? मेरा पैगाम बड़ा सिंपल है, अगर जो लोग भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो रुमान अली खान फाउंडेशन के फेसबुक के पेज पर जाएँ और वहाँ हमारी बैंक डिटेल्स मौजूद हैं, वहाँ पर आप डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली आके अपने हाथों से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं, आप आइए। और जैसे कि मिसाल है कि अगर अलका साहब कैमरा घुमाएं तो लोग आके इस तरह से डोनेशन लेके चले जाते हैं। आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो मुसाफिर हजरात हैं जो हमारे मुखिया जाते हैं वो आ रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, खाने लेके आ रहे हैं, पानी के इंतजाम करा रहे हैं। तो जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्लीज़ आर के फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ। थैंक यू सो मच सर।